से एक पेड़ है, वो बालक पीछे क्यों बैठे, आगे आ जाओ ना बेटा नजदीक। बहुत कीमती बातें हैं ये, आपकी पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। ये हे माता जी, ये राजकीय प्राथमिक बाल विद्यालय गुरुग्राम सब्जी मंडी के प्रांगण से हम इन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक प्रणाम करते हैं। तालियां बजाओ। इस विद्यालय में ये बालक किस लिए आए? शिक्षा, विद्या और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किस लिए आए हैं? शिक्षा, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम विद्यालय में आए। शिक्षा का मतलब होता है सीखना। क्या सीखना? खेल कूद सीखना और लिखना पढ़ना सीखना। विद्या का मतलब वह ज्ञान प्राप्त करना जो ईश्वर के विधान के अनुसार हो, ठीक है साहब। विद्या का मतलब वह शुद्ध विद्या जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती हो। और ज्ञान क्या मतलब? ज्ञान का मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान, भले बुरे का ज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान। अभी आप कहीं पर भी जा रहे हैं बाजार में, ओके, और कोई किसी बच्चे को मारता है। दो विद्यार्थी जा रहे हैं, उनमें से कोई बदमाश आदमी किसी बच्चे पे मारता है, तो वो ये काम ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? तो हमें क्या करना चाहिए? उस बालक को बचाना चाहिए या हम भी उसको मारना शुरू कर देंगे? और हाँ देख रहा हूँ, हाँ देख लिया, देख लिया। अब पॉइंट ये आ रहा है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे सरकार ने लिखवा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप इस बात से क्या समझते हैं? बेटी बचाओ, बेटियों को कैसे बचाओ, इसके बारे में कोई बताता है आपके दिमाग में कोई आइडिया तो बताओ। कन्याएं आज की तारीख में सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं। एक बालक कह रहा है कन्याएं सुरक्षित हैं, आप इस बात से सहमत हैं? जो लोग सहमत नहीं है वो हाथ ऊपर करें। कन्याएं असुरक्षित हैं। अब कन्याओं की रक्षा के लिए हम क्या उपाय करें कि कोई उन पर हाथ ना उठा सके? जिसके मन में जो विचार है बताए, हाथ ऊपर करें फिर बोले। कन्याओं की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई उनको छेड़े उनको बचाना। दोबारा बोलो, कन्याओं की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं आज के वातावरण में? हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, आत्मरक्षा। ओके, और कोई बोले तो? बच्चे अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं बताना जरा। कोई शैतान आदमी अगर बाहर बच्चों के ऊपर अटैक करेगा, बच्चे अपने आप को कैसे बचा लेंगे, कैसे बचाएंगे? हाथ ऊपर करके एक व्यक्ति बोले। हाँ बोलिए बोलिए, जो भी मन में आ रहा है बोलो ना। बच्चे अपनी रक्षा कैसे करें? ओके, बच्चे अगर चिल्लाएंगे तो आपस में भीड़ आ जाएगी बचाने के लिए। ओके, और कोई व्यक्ति? चारों तरफ शराब के अड्डे खुले हुए हैं, शराब पीने के बाद मनुष्य की चेतना का क्या हो जाता है? जोर से बोलो। गिरता रहता है, मतलब मूर्छित हो जाता है आदमी। और शराब पी करके मनुष्य क्या करता है? मारपीट करता है, गाली उल्टी सीधी हरकतें करता है, गाली बकता है और बच्चों को मारता भी है, गालियां भी देता है। इस बात से आप सहमत हैं? हम ऐसा क्या उपाय करें कि बच्चों पर कोई हाथ ना उठा सके? ऐसी शक्ति कहाँ से लाएं? मतलब अब वो शक्ति आ गई है कि बालक बोलेंगे और फौरन से शैतान आपके रास्ता छोड़ के परे हट जाएगा। शैतान आपको मार नहीं सकता, ऐसी शक्ति हमारे देश में अवतरित हो गई, स्वर्ग से आ गई, आपके सामने बैठी है। ये बोलती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है और आपकी सारी पुकार सुनेगी। आप कह के देख लीजिए, इसमें सारे देव देवता बैठे हुए, सारे टोटल, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव, पार्वती, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, सारे बैठे हुए, हजरत अली साहब, फातिमा, हसन, हुसैन। जो बालक मुस्लिम बालक हैं वो भी समझ लें, मोहम्मद साहब भी बैठे हैं, फातिमा बैठी हैं,
और बहुत सारे देवता, सारे फरिश्ते, सारे पैगंबर इस फोटो में आ गए, हमें पता चल गया। माँ ने हमें बचा लिया, तो हम आपको ये सूचना देने के लिए आ गए कि बिना दवाई के, बिना कोई तंत्र मंत्र किए, आप इस फोटो से बोलिए कि माँ इस दुष्ट आत्मा को परे कर लीजिए, दुष्ट आत्मा आपको छू भी नहीं सकती। इसको ट्राई करना पड़ेगा और फिर आप देखिए कितने आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और आपके पिताजी अगर दारू पीते हैं तो दारू भी छोड़ देंगे। आप बोलिए माता से, माता हमारे पिताजी के दारू छुड़वा दीजिए, वो दारू नहीं पिएंगे। ऐसा भी हो सकता है, आप इनको राजी कर लीजिए। इसके लिए आपको 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को ध्यान करना होगा। अभी आप ध्यान में जाइए और देखिए इसमें से कितनी शक्ति आती है, दोनों हाथ खोल के देखिए। इस फोटो से एक सवाल पूछिए, श्री माता जी आप कौन हैं? श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय स्वयं दीजिए। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं तो अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ, हमारे मन की चिंताएं मिटाओ, हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल करो, हमें विद्या, बुद्धि और ज्ञान दो, हमारे तन मन धन को पवित्र कर दो और हमें एक उत्तम विद्यार्थी बना दो, हमें एक अच्छा विद्यार्थी बना दो, हमारे जीवन के सभी दुख दर्द खत्म कर दो, हमारी तकलीफें खत्म कर दो, सारी बीमारियां खत्म कर दो, और हमारे विद्यालय को भी उन्नत बना दो। ओके, अब देखना, अब आपने ये प्रार्थनाएं, इतनी सारी प्रार्थनाएं करी, अब ये शक्ति जवाब देगी जो आपके हाथों की उंगलियों पर ठंडी ठंडी हवा के रूप में आएगा। आंख बंद करके एक मिनट के लिए अपनी उंगलियां खोल लीजिए और देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है? बालको, आंखें बंद करके ध्यान में जाओ। बालको, बालको शांति से बैठो, ध्यान में जाओ। श्री माता जी कृपया हमें दिव्य शक्ति दीजिए, हमारा अज्ञान खत्म कर दीजिए, हमारी अविद्या खत्म कर दीजिए, हमारी चेतना को पवित्र कर दीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिए, हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए और हमें आत्मज्ञान दीजिए। दोनों हाथ कैसे? देखिए सबके हाथों की उंगलियों पर एक ठंडी ठंडी हवा आना शुरू हो गई जो अत्यंत सुखदायक और सुकूनदायक। अच्छी बात है, ये आपकी सारी तकलीफें निकाल रही हैं, धीरे धीरे आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और आपके मन में शांति और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सारी बेचैनियाँ, सारी चिंताएँ, सारे तनाव, सारे दुख दर्द धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए और शक्ति को महसूस कीजिए जो आपके हाथों की उंगलियों पर आ रही है।
पवित्र शक्ति आ रही है जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन महसूस हो रही है। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और देखिए शक्ति कितना तेजी से आ रही है आपकी तरफ। आंखें बंद करके ध्यान में जाओ। श्री माता जी कृपया हमें दिव्य शक्ति दीजिए, हमें शुद्ध विद्या दीजिए, हमारे बुरे विचारों को खत्म कर दीजिए। हमारी चेतना को पवित्र कर दीजिए। ये हमारी शुद्ध इच्छा है। अब देखिए कितने बालकों को ये ठंडी हवा आ गई, हाथ ऊपर करें। ओके। और आप देखिए आपने भगवान शिव का चित्र देखा, उसमें शिव जी की जो गंगा है वो आप उनके सिर में से निकल रही है। तो आप देखिए सिर के ऊपर ऐसे हाथ करके देखिए, आपके सिर में से भी ठंडी ठंडी हवा की धारा आना शुरू हो गई है। ये देखिए बालों से दो इंच ऊपर ऐसे हाथ करके देख लीजिए, आपका तीसरा नेत्र खुल गया है। कैसा लग रहा है, ठंडी या गर्म? इनको गर्म आई है। एक बार माथे पे हाथ रख के ऐसे और ये बोलिए, माँ हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमने सबको माफ कर दिया, जिसने हमारा बुरा किया उसे ईश्वर देखेगा, हमने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया क्योंकि वे हमें ज्ञान और शिक्षा देते हैं, विद्या देते हैं, हम अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। अब इसके बाद एक हाथ बैक साइड में रखिए आकाश को देखते हुए, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इस्लामिक बालक बोलेंगे, या अल्लाह ताला हमें क्षमा कर दीजिए, जो गुनाह हमसे हो गए हैं कृपया उन्हें माफ कर दीजिए, हमने दूसरों को कष्ट दिए हैं उसके लिए भगवान हमें क्षमा करें, या अल्लाह हमें क्षमा कर दे। इसके बाद इस राइट हैंड को यहाँ पे रखिए, माथा झुका लीजिए और उसको ऐसे गोल गोल घुमाइए। ये हमारा दसवां दरवाजा है, इधर से आत्मा देवलोक में जाती है, रूह आपकी जन्नत में जाती है। ऐसे माथे को ऐसे झुका के ऐसे गोल गोल घुमाइए और यहाँ पे बोलिए, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, हमारी आत्मा का दीप जला दीजिए। ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए, हथेली को ऐसे दबाइए सिर के मध्य भाग में और ऐसे माथा झुका के ऐसे गोल गोल घुमाइए, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए। अब दोनों हाथ खोल के आप फोटो को देखिए, आपका चित्र एकदम स्थिर है और पवित्र है। देखिए ध्यान, अब ये फोटो रूप बदलेगी। अब आप फोटो से पूछिए, श्री माता जी कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप सचमुच में आदिशक्ति हैं। अपना दैविक रूप दिखाओ, ये हमारी शुद्ध इच्छा है। अब देखिए ध्यान से देखिए, फोटो रूप बदलेगी और आपको दैविक रूप के दर्शन कराएगी। ध्यान से देखिए, दोनों हाथ खोल के रखिए, हलचल नहीं करनी, अपने आप से दिखाई देंगे देवता। अब जिनको देवता नजर आते जाएं वो हाथ ऊपर करते जाएं। जिन जिन को देवता नजर आते जाएं हाथ ऊपर करते जाएं, बोलते जाएं कौन कौन से देवता नजर आ रहे हैं। श्री माता जी कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ, हमें अपने दैविक रूप के दर्शन कराओ, ये हमारी शुद्ध इच्छा है। हम विनती करते हैं कि अपना दैविक रूप दिखाओ। अब देखिए कौन कौन से देवता आ रहे हैं, ध्यान से देखिए फोटो में। जिनको देवता नजर आते जाएं हाथ ऊपर करें, ये बताते जाएं।
यस बोलते जाए। कौन से देवता है बोलो तो? देवता ना है? अस्ति हुई दिख रही है। अस्ति हुई, ओके। गणेश जी, ताली बजाना, ताली। पीछे से बोलते जाओ। यस शिव जी, ओके। बोलते जाओ ना। कृष्ण भगवान, ओके। इधर ध्यान से देखो, फोटो पे ध्यान लगाओ। हनुमान जी, ओके। और पीछे ये बोलते जाओ, विष्णु भगवान, ओके। हाँ जी बोलो तो, इधर दिखाओ। हाँ बोलो ना, बोलो तो सही। ये शंकर जी, पीछे के बालक बोलते जाए, जो से देवता जिनको दिख रहे हो बोलते जाओ। हाँ जी राम, काना जी, देवी, काना जी, काना जी है, शिव जी, ओके, देवी, ओके, महादेव, ओके, पीछे महादेव, पार्वती, ओके, श्रीराम, ओके, पीछे के बालकों को ही दिखेंगे, 12 साल तक के बालकों की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। और पीछे के बालक बोलो तो, पीछे जो बैठे हैं जी, शिव जी, इस तरफ के बालक जी, बोलो जोर से बोलो, हस्ती हुई, ओके। हाँ जी हनुमान जी, ऐसे हाथ करो, एक बार जिनको नहीं दिखे एक बार फिर से विनती करो, श्री माता जी कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ, ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप सचमुच में आदि शक्ति हैं, वो शक्ति जिसने संसार को बनाया। क्या आप वही शक्ति हैं? अब देखिए फोटो अपना रूप बदलेगी। बाल को चुप हो जाओ, पीछे हट लो, मुंह बंद रखो, ध्यान से देखिए। अब जिनको नजर आ गए देवता हाथ ऊपर करते जाएं, बोलते जाएं प्लीज। गणेश जी, ओके, शिव जी, हाँ जी, महादेव, हनुमान जी, हाँ जी, पीछे के बालक बोलते चलो ना, हनुमान जी, गणेश जी, हेलो मोटो, प्रणाम कर लीजिए। श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन, जय श्री माता जी। अब हम आपको प्रसाद बांट देते हैं और